इसी के साथ तुम्हारे भाई का आगमन हो चुका है बर्लिन जर्मनी में। मेरे यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। एक बैग के साथ कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है। देखते हैं इस कंट्री में हम कैसे अपनी जगह बनाते हैं। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे आज हम घूमने नहीं जा रहे, आज हम एक्चुअली मूवी कर रहे हैं पूरी कंट्री। तो जिस कंट्री मूव हो रहा हूँ वो है जर्मनी। ये बुक मैंने थोड़ा टाइम पहले ली थी, अब तक पढ़ी नहीं है, बट अब तो क्या फ़ायदा, अब जा ही रहे हैं। मम्मी को बाय बाय करते हैं, मम्मी को बाय बाय करते हैं। मम्मी अपनी पास आउट हो चुकी, बाय बाय मम्मी, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। तो इसी के साथ अलविदा करता हूँ इस अपने डेस्क को यहाँ पे बैठ के। जब से यूट्यूब स्टार्ट किए भाई, यहीं पे ये सब था भाई अपना। फॉलो योर ड्रीम्स को काफ़ी सीरियसली ले लिया मैंने। बाय बाय रूम भाई, मेरे रूम में एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये वैसे धूप में रहते हैं बट मैं इसको हमेशा ऐसे रखता हूँ। टू मच इन्फॉर्मेशन बट कोई नहीं भाई, यहाँ का चैप्टर ख़त्म करते हैं। ओके बाय बाय रूम, बाय बाय, बाय बाय। T3 यूर लोकेशन से IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3। हाँ हाँ हाँ, बस कर दो, चलो बाय बाय घर। तो पता नहीं कब आएंगे वापस। ठीक है पापा, हाँ सही है। आखिरी शब्द बोलना चाहेंगे जर्मनी जाने से पहले, बेस्ट ऑफ लक। सही है, एक बार आप भी चक्कर मार लेना बीच में। तो वैसे क्या, तुम्हारा भाई आ चुका है दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है। काफ़ी भीड़ है यार, अभी रात के 2 बज रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। बाकी भाई मेरे माँ बाप मुझे छोड़ने नहीं आते यार, उनको अपनी नींद काफ़ी प्यारी है। एंड ऊपर से वन मोर फैक्ट कि मैं 2 साल से घूम ही रहा हूँ, तो मेरा आना जाना उनको इतना अब फ़र्क नहीं पड़ता। उनको मतलब पड़ता है बट उनको आदत हो चुकी है मेरे इतना अंदर बाहर आने की। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे यार बैग पैकिंग कर करके ना इसकी आदत छूट चुकी है, मुझे इतना अनोइंग लग रहा है ना ये लेके जाना। बाकी ये मैंने लिया था जब मैं 19 साल का था, तो उस टाइम में तो बहुत कूल लग रहा था मुझे कि आर्मी कलर है, काफ़ी कूल है। बट अब मुझे थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, तो जैसे ही मौका मिलेगा इसको भी चेंज करेंगे। बाकी फ़िलहाल एम काउंटर पर हमारी है टर्किश एयरलाइंस, वो जाके लेंगे, बर्लिन जाएगी दिल्ली से इस्तानबुल, इस्तानबुल से बर्लिन, ये कुछ रूट है। बाकी क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ बर्लिन में, वो मैं आगे धीरे करके बताता हूँ। बाकी मेरा चेकिंग करके आता हूँ। तो भाई फ़िलहाल मेरे पीछे जो तुम देख रहे हो ना, अभी जो सिक्योरिटी चेक था, इमिग्रेशन था और पूरा एयरलाइंस का, इतना भीड़ है, इतनी भीड़ है इस टाइम पे। मतलब मुझे कम से कम 2 घंटे लगे हैं पूरा प्रोसेस ख़त्म करने में। चेक इन करते टाइम भीड़, फिर उसके बाद भीड़, बहुत भीड़ थी भाई, 2 घंटे लग गए, थक चुका हूँ। बाकी फ़िलहाल अब ड्यूटी फ्री में घुस चुके हैं। टर्की में ले ओवर था 20 मिनट, 1 घंटे का ले ओवर था, और वहाँ पे देख रहा हूँ तो लास्ट कॉल दिखा रहा है। मेरा गेट F16 है। अब पता नहीं भाई इतने बड़े एयरपोर्ट पे हम पहुँच पाते हैं, नहीं पहुँच पाते, नहीं पहुँचे तो लग जाएंगे भाई। एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट गो टू गेट F16। F इज देयर, इट्स नियर बाय और फार? नियर और फार, स्ट्रेट उस डायरेक्शन में चल रहा था भाई। जो मैं इंडिया से बुक कर रहा था फ्लाइट, तो मैंने देखा 1 घंटे का और ले ओवर है, कुछ भी नहीं होता वो, बट ये हो जाता है, फिर भागना भूगना पड़ता है। गेट एफ सामने दिखा रहा है अब, मैं पहले कभी किसी भी ऐसी फ्लाइट के लिए नहीं भागा नहीं हूँ। मेरा गेट एफ, 5 मिनट हो गया चलते चलते, गेट ही नहीं आ रहा साला। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई इस्तानबुल का, भागते भागते भी थक गया हूँ तुम्हारा भाई। 1 घंटे का ले ओवर कभी बुक मत करना भाई, लग जाते हैं भाई। इतना सेक्सी सा एयरपोर्ट है, मैं एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया, बट कोई नहीं, पहले फ्लाइट पकड़ते हैं, बर्लिन जाते हैं, फिर वहाँ से कोई मौका बनाएंगे। एक्सक्यूज़ मी, भागो 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 भागो। फिलहाल F4 पे आ चुका हूँ, F16 पे जाना है, बहुत लंबा है, 1 मिनट। अब मुझे लगता है यूशन बोल्ट बनना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी, ये आ गया, F5 आ गया। ये कौन सा है, F12 और F19, यहाँ पे भागो भाई। ओए होए उल्टे पे चल रहा हूँ, यहाँ चलना है। आ गए गेट पे पहुँच गए।
talking over to us. Good. Have a nice flight. Thank you. Am I the last one to board? यहाँ पे आके भाई पसीने छूट गया, इतना भागना पड़ा. कम से कम इन्होंने मुझे 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास भगाया. बाकी अंत भरा तो सब भला. बाकी जब गेट पे पहुँचा तो मैंने अभी थोड़े बाल वाल कटवा लिए ना, तो इसमें थोड़े ज़्यादा दाढ़ी और ज़्यादा बाल हैं, तो कहता चश्मा उतारो और देखो. बाकी फ़िलहाल तुम्हारा भाई जा रहा है बर्लिन 2 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए. हेलो 11D इसी के साथ तुम्हारे भाई का आगमन हो चुका है बर्लिन जर्मनी में. 1:30 पर तुम्हारा भाई लैंड हुआ है और यहाँ पे एक सूटकेस 2 छोटे-छोटे बैग्स के साथ तुम्हारा भाई लैंड हो चुका है बर्लिन के अंदर. एंड मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बर्लिन अभी अंदर एयरपोर्ट में था ना, सब कुछ जर्मन में लिखा हुआ था एंड कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे सिर्फ जर्मनी के से 2 वर्ड्स आते हैं जर्मन में. एक होता है डैंकशिन, जिसका मतलब होता है थैंक यू, डैंकी डैंकी बोलते हैं, और एक गाली आती है वूट बर्गर, जो मुझे एक जर्मन लड़की ने सिखाया था सर्बिया में. बाकी फ़िलहाल अभी है 5 डिग्री का टेम्परेचर, ये कुछ ऐसा दिख रहा है. अब मुझे यहाँ से जाना है अलेक्सेंड्रा प्लाट्स करके एक जगह है, वहाँ पे जाना है. वो कुछ यहाँ की डाउनटाउन है, वहाँ पे कहीं जाना है और वहाँ पे मैंने हॉस्टल बुक किया हुआ है. मेरे पास अकोमोडेशन नहीं है यहाँ पे, कुछ रहने की जगह नहीं है, तो 10-10 यूरो का भी हॉस्टल बुक करूँगा थोड़े दिन के लिए. फिर एक फ्लैट ढूंढेंगे, धीरे धीरे करके दोस्त बनेंगे. मतलब ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है एक तरह से लाइफ यहाँ पे. और जिन लोगों को लग रहा है कि भाई कि ट्रैवल व्लॉग्स बंद हो जाएंगे चैनल पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई. आज से 1 साल पहले जब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं बाहर जाके मास्टर्स करूँगा, मैंने 3 कंट्रीज़ में अप्लाई किया था. फर्स्ट वन बीइंग कनाडा, सेकंड वन बीइंग यूके, और थर्ड वन बीइंग जर्मनी. मैंने जर्मनी को चूज़ इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे जो ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग ऑफर होती है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कनाडा. क्योंकि कनाडा से अगर मैं कोई भी फ्लाइट बुक करूँगा कहीं और के लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, तो इसी कारण हम जर्मनी में आ चुके हैं. देखते हैं भाई, एक्साइटिंग होगी यार, एक्साइटिंग. ट्रैवल व्लॉग्स तो आते रहेंगे, ट्रैवल कहीं नहीं जाने वाला. बाकी ये एक्साइटिंग रहेगा मेरे लिए, जैसे जैसे मेरे लिए जर्नी खुलेगी आगे, कैसे कैसे क्या क्या होगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता. मेरे यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ एक बैग के साथ, कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है. देखते हैं इस कंट्री में हम कैसे अपनी जगह बनाते हैं बर्लिन में. लेट्स सी भाई, मैं एक्साइटेड हूँ. बेसिकली यहाँ पे यार जो इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है थोड़ा सा मुझे समझ के थोड़ा बाहर है. यहाँ पे ये पता नहीं किसकी टिकट्स हैं जिसके लिए यहाँ पे बस आती है. मैंने किसी से पूछा है, वो मुझे बोल रहे हैं कि अंदर जाना है, अंदर से एक ट्रेन जाती है, तो वहाँ पे चलते हैं भाई. थोड़ा सा ये फिगर आउट करने में टाइम लगेगा, बट हो जाएगा भाई, हो जाएगा धीरे धीरे करके. तो यहाँ पे ट्रेन की टिकट आ रही है 3 यूरो 80, मतलब 4 यूरो के आसपास की आ रही है. यहाँ पे इसको पे करते हैं. आ गई भाई. वो तुम्हारे भाई ने फिगर आउट कर लिया है. यहाँ पे ये 3 यूरो 80 की टिकट पड़ी है S-Bahn की. यहाँ से मुझे जाना है ट्रेन लेके. बाकी ये कुछ इनका ट्रेन स्टेशन है, काफ़ी सही लग रहा है. बाकी यहाँ पे टर्मिनल 2 पे मैं उतरा हूँ. ऊपर एक पाकिस्तानी भाई थे भाई, पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने थोड़ा बताया, एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो मिल गई है. आई थिंक दिस इज़ द ट्रेन. तो भाई यहाँ पे टिकट ख़रीदना एक बात होती है, टिकट को वैलिडेट भी करना होता है इसमें रेड कलर की मशीन के अंदर. बाकी ये अपनी ट्रेन आ चुकी है, ये लेके चलेगी हमें अलेक्सेंड्रा प्लाट्स. हाँ यही वाली है, RE7. तो ये कुछ ऐसे स्टेशन है यहाँ पे, अपने को यहाँ जाना है 3 स्टेशन दूर अलेक्सेंड्रा प्लाट्स पे. I was in the dark against it all, but made it through the day, cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay, cause I found my way. फिलहाल पीछे जो था वो था ट्रेन स्टेशन. यहाँ से तुम्हारा भाई बाहर आ चुका है. अभी यहाँ पे बज रहे हैं कुछ 3:00 PM और मतलब सन का कोई आता पता ही नहीं है यहाँ पे. तुम्हारे भाई ने 2 जैकेट पहनी हुई है, एक तो नीचे ब्लैक वाली पहनी हुई है और ऊपर ये वाली पहनी हुई है. इसको बंद करना पड़ेगा, अंदर गर्मी लग रही थी, अंदर थोड़ी गर्मी लग रही थी, यहाँ पे थोड़ी ठंड लग रही है. तो यहाँ से फिगर आउट करना है, 650 मीटर मेरा दूर हॉस्टल है. देखते हैं भाई कैसे पहुँचते हैं विद दिस. And then on the right side, Rosa Luxemburg. And just follow, follow. And then you have a, like a... Okay. Thank you so much. तो भाई यहाँ पे जो ये ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे मतलब वाईफाई आने का काम नहीं कर रहा था, तो मैंने पुलिस वाले से पूछा, तो पुलिस वाले ने गाइड कर दिया. पुलिस वाला स्वीट था यार. मैंने सुना है कि जर्मन थोड़े कोल्ड होते हैं,
बट अब तक आए हुए मुझे एक घंटा हो चुका है, तो जितने चार पांच अट्रैक्शन हुई हैं मतलब ठीक ही लगे हैं। मे बी आई थिंक बर्लिन में जहाँ स्वीट हैं इसके बाहर थोड़े से वो है कोल्ड हैं। बाकी पहले यार ये 22 किलो का जो ये ना सामान सामग्री इसको पहले छोड़ के आता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। थोड़ी सी मेहनत के बाद आ गया है अपना सैन क्रिस्टो, अपना हॉस्टल आ गया है यहाँ पे। अच्छा इसके जो सामने यहाँ पे वो है मेट्रो स्टेशन है। सही है भाई, तुम्हारा भाई अभी बस अपना बैग वैग रख के आया है, आधा घंटा चिल किया मैंने और देखो अंधेरा भी हो गया। अभी कुछ 5 बज रहे हैं, 4:30 बजे अंधेरा हो गया था यहाँ पे। ये कुछ हॉस्टल है मेरा, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे विंटर्स में, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात रहेगी। तो मुझे दिख रही है भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो देख रहा हूँ आसपास कोई सुपर मार्केट हो या कुछ हो। बाकी ये हॉस्टल भाई बहुत बहुत सही हॉस्टल है। इफ़ यू एवर कम टू बर्लिन, क्रिस्टोफर्स इन करके इस हॉस्टल में ज़रूर रहना। कुछ 12 यूरो पर नाइट का है, 11-12 यूरो। और नीचे इनका पब है, मतलब सारे फुटबॉल मैच देख रहे हैं। फुटबॉल में तुम्हारे भाई का 0 इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं तो नहीं कर रहा। बाकी फ़िलहाल अभी देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखते हैं भाई। पहले तो वो लगेज था ना, उसकी वजह से मैं प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और कल से भाई अपार्टमेंट ढूंढने में लगेंगे। थोड़ा यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं थोड़े से ना। ओके तो फिलहाल अभी यहाँ पे पहला दिन था, तो हम यहाँ पे खाने आए थे डोनर कबाब। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है डोनर कबाब, 7 यूरो का पड़ा है, काफ़ी बड़ा है। बट एक अच्छी शुरुआत है ज़रूरी है जर्मनी में, अच्छा खाना। बहुत सही है यार ये तो, जेन्युइनली बहुत सही है भाई। यू हैव कम टू बर्लिन, जस्ट डोनट बाय। तो भाई फिलहाल अभी मैं बर्लिन में बैठा था, तो मैं जिनके साथ अभी घूम रहा हूँ ये इंडिया से हैं, बट अभी ये कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे आने के लिए। तो अपना हाथ दिखा सकते हो आप, तो ये कैमरे में पूरा नहीं आना चाहते, तो अपने रीजन्स होते हैं भाई, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट अभी जब मैं यहाँ पे शॉप पे व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा, मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं यूट्यूबर हूँ। जब मैं यहाँ पे व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था, आपसे बात आई कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे 1 साल पहले देखा है ऑलरेडी। भाई मैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो थैंक यू यार मैं आपको यहाँ पे मिल पाया पहले दिन तक। पहले दिन मतलब ऐसे इससे अच्छा लगा बेसिकली। Find my way.